मरकुस अध्याय 6 वचन 35 से 40। जब दिन बहुत डल गया तो उसके चले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत डल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्हें उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खा लिए। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्हें मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबकी हरी घास पर पंक्ति पंक्ति से बैठा दो। वे 100 100 और 50 50 करके पंक्ति पंक्ति बैठ गया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास बस बस तेरे भाषा दिया। यहां देखिए, यीशु मसीह ने एक बात यहां कहा, जो पीड़ था वो पर्वत का ऊपर नहीं है, नाव से कहीं पार समुद्र को पार करके आ गया किसी जगह में, स्थान में, वो स्थान वो गांव आने के लिए। सब लोग यीशु मसीह के लिए तरस रहे थे, यीशु मसीह के लिए ढूंढ रहे थे, यीशु मसीह के लिए देख रहे थे और यीशु मसीह के लिए खोज रहे थे। They are searching for Jesus. Why? First, number one, they want bread. उनको खाने के लिए खाना चाहिए। और भगवान जो कर रहा था, क्या कर रहा था यीशु मसीह ने, जो वो ऐसे वचन उनको बोल के शिक्षा दे के, शिक्षा देने के बाद उनका जो आवश्यकता है पकाना और पानी का बंदोबस्त कर रहा था, बंदोबस्त कर रहा था। उनका चिंता था, किसका चिंता, यीशु मसीह का चिंता था। उनका जो भीड़ आ गया, इतना विशाल निर्जन स्थान में उन लोग आ गया और निर्जन स्थान में ढूंढते आ गया और बोला खोजते आ गया। कितना दिन लगा, सुबह से शाम तक ढूंढने लगा, कहीं स्थान था वहीं टिके रहे, यीशु मसीह रहेगा सोचा उन लोग, एंड जीसस विल स्टे इन द पर्टिकुलर प्लेस दे थॉट, बट कहीं जगह टिकने वाला नहीं है, कहीं जगह जीसस विल नॉट लिंगर एंड स्टे समवेयर एस्टैब्लिश, उसका जो स्थान है वहीं रहने वाला नहीं है, है ना। जैसे गांव में जाएगा और वहीं आवश्यकता कहीं रहेगा वहां जाएगा,
उनको परम पिता बोलेगा वो गांव में जाओ जाएगा। ऐसे घूमते फिरते उनको सुसमाचार बढ़ाते जाते थे, इसलिए उन लोग सोचा कि यहाँ हमको रोटी मिल रहा है वहीं यीशु मसीह रहेगा करके आया खोजते, लेकिन यीशु मसीह वहाँ नहीं है। और उन लोग घर वापस नहीं गया, दे वोंट रिटर्न बैक देयर हाउस, दे डोंट बैक देयर होम, वही जगह खोजते ऐसे हुआ। और उन लोग पार किया समुद्र को, जो उन्होंने पहचान लिया और ढूंढ लिया पा लिया यीशु को, पा लिया यीशु मसीह को, पा लिया मतलब उन लोग दे गॉट जीसस समवेयर। उनको देख के यीशु मसीह को तरस आ गया, यीशु मसीह को तरस मतलब उनका ऊपर दया आ गया। क्या दया था? उन लोग ऐसा है, देखो ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा, उन्हें उन लोगों पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरावे की भेड़े की तरह है। चरावो नहीं है, शेपर्ड नहीं है, शेपर्ड नो शेपर्ड एट ऑल, दे आर वांडरिंग समवेयर हियर एंड देयर बिकॉज दे वांट सम स्पिरिचुअल सेलेस्टियल फूड। बट उनके लिए भी आते थे उन लोग, और उनका पास वो बंदोबस्त है, फिजिकल फूड ऑल्सो इज प्रोवाइडिंग। एंड दो तरफ उन लोग देख रहा था, ऐसे यीशु मसीह को उन लोग खोजते आ गए तो उनको तरस आ गया। वो चारवाहे के मतलब बिना एक शेपर्ड नए जैसे भीड़ जैसे रहते हैं ना, वो कैसे जाता है ना, ऑटोक्रेटिक आई मीन टू से यहाँ वहाँ जिगजाग मैनर, दे वोंट फाइंड प्रॉपर वे टू गो। उनको चलाने वाला चराने वाला नहीं थे उन लोग, ऐसे वो भीड़ जैसे थे इन लोग, इसलिए तरस आ गया। तरस आने के बाद क्या किया है? देखने से उन्हें बहुत सी बातों का शिक्षा देने लगा। पहले हम लोग क्या करना चाहिए, यीशु मसीह का इरादा क्या है, यीशु मसीह का अरमान क्या है, यीशु मसीह का इरादा क्या है मालूम है? वो पहले अच्छा बातों का शिक्षा देगा, ही विल गिव गुड ट्रेनिंग इन द इज वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड इज ए ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग देने लगा उन लोगों को कैसे जीना है, ऑन एथिक्स एंड मॉरल वी स्टडी इन थियोलॉजी है ना, नॉट ऑल एथिक्स इन द वर्ल्डली एथिक्स, वी आर क्रिश्चियन एथिक्स एंड थियोलॉजी, क्रिश्चियन एथिक्स एंड मॉरल। इफ यू आई एम टीचिंग दिस एथिक्स एंड मॉरल, स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू लिसन बिकॉज वो कैसा रहना है, हम लोग पाप नहीं करना है, सही रास्ता में जाना है, ऐसे बोलने से जी आप ना ये बंद करके हम लोग कैसे बोलो आशीष करो वो करो बोला, इससे अच्छे बातें बोल रहे थे क्योंकि वो बिगड़ गया था जो चारवाहे नहीं जैसे भीड़ थे उन लोग, इसलिए उन लोग भेड़े की तरह थे उन लोग, इसलिए उन लोग को ठीक ही रास्ता में लगाने के लिए अच्छे अच्छे लाइक अच्छी अच्छी बात पहले बोलने के लिए वो आगे बढ़ा। पहले आज याद रखेंगे, वी रिकलेक्ट और वी रिमेंबर वी चेरिश इन आवर माइंड दैट पहले वो टीचिंग क्या बताया था, पहले स्पिरिचुअल फूड दैट इज वर्ड ऑफ गॉड कैसे जिंदगी बिताना है वो अच्छे बात पहले बोल दिया। उसका बाद क्या करा, आज सुबह से शाम तक वो जब दिन ढल गया क्या आएगा, जब दिल ढलने से क्या होगा, व्हेन सन सेट्स व्हाट हैपेंस, सनराइजेस यू विल वांडर एंड यू डोंट गेट एनी फियर बिकॉज सन इज देयर इन द लाइट यू वांडर यू। अगर शाम दिन ढल गया तो शाम आ जाएगा, वो शाम नहीं है तो शाम आ जाएगा, इट विल बिकम इवनिंग एंड डार्कनेस विल कवर यू। जो डार्कनेस आने से क्या होगा, हम लोग घर चलने पड़ेगा और खाना का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जब उन लोग शिष्यों को बुलाया, जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यहाँ स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास की बस्ती और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। क्या अच्छा सलाह दे रहा है, जब भी ना फादर को जब भी बड़ा आदमी लोगों को और प्रोफेसर को जाके स्टूडेंट बोलता है ऐसे करो ऐसा मैथ्स करो, जैसे स्टूडेंट भी है उसको अच्छा मैथ्स आता है, अगर उनका पास जाके छोटा बच्चा ऐसे नहीं ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे उन लोग शिष्य उनके लिए अच्छा सोच रही है, खाना का बंदोबस्त करना है, लेकिन कर रहे विदा करो इन लोग को आगे जाने के लिए, विदा करो इन लोग आगे जाने के लिए, अभी दिन ढल गया है शाम आ चुका है,
और आपका जो बोलने का बात बंद करो, क्योंकि उनका खाना का भूख लग रहा है। उन लोग उनके लिए ख्याल करो, हम ख्याल कर रहे हैं। कैसे ख्याल कर रहे हैं, कैसे सोचता उनका ऊपर, अरे इन लोग जाके आसपास गांव में बस्ती में जाकर खाना खरीद ले, कुछ खाना का बंदोबस्त अपने आप करें, अपने आप करें, हमारा फर्ज नहीं है। इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फूड एंड इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फूड। लेट देम गो, दे बेटर देयर ब्रेड। उन लोग जाके खाना खरीद लेगा, खरीदने के लिए पैसा रहना चाहिए ना। आजकल कोई सोच रहा है, जो गरीब है सब लोग आ गया, अभी खाना लाया, पैसा है नहीं, सोच रहा नहीं है, खाना खरीदने के विदा करो। यीशु मसीह ऐसे सोचते नहीं है, अपना दिल का अंदर उतरेगा वो। हम लोग चेहरा देखते रहेगा, सुनील बड़ा आदमी है, उसके पास पैसा है, राजू दाढ़ी बनाया थोड़ा दिक्कत में है ना और उसको जोसेफ देख असरा है, वो ऐसा है। किन वे चेहरा देख के बोलते हैं, जैसे फार्मिस्ट बोलता है हाथ देख के, आपका लकीर अच्छा है जी, मेरे को भी बोला यहाँ भी लकीर अच्छा है, तो आप सोना में आप सोएगा, डूबेगा सोना में। अरे यार सोना चांद आप दे देगा, कोई कीमत नहीं है, मैं सोना चांद में डूब रहा नहीं है मालूम। कष्ट ही कष्ट है, गम ही गम है यार, किसी को जाके बताओ, हमारा स्वर्गिक पिता है। मैं सोचता हूं देखने से हम लोग मुख देख के बताते हैं, वी नो हाउ टू रीड द फेस एंड फेस ऑफ गमी। इन द इंग्लिश लैंग्वेज वी नो फेस ऑफ गमी बोलता है, फोसे गमी इन द सेंस और रीडिंग द फेस एंड टेलिंग समथिंग, बिकॉज अच्छा कपड़ा पहना, लुई फिल्प का शर्ट, लुई फिल्म का टाई जो पीटर इंग्लैंड का, बोला खरीद वाला है। लेकिन भगवान को मालूम है, यीशु मसीह को, जो शिष्य बोल रहा है उनको पैसा है नहीं है, वो अपना फर्ज नहीं है। इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदर दे हैव मनी और नॉट, लेट देम गो आउट, आप लोग भेज दो उनको, अपना वो फर्ज नहीं है। उन लोग जाके कुछ भी खरीद के खाएगा, कल आ जाएगा। देखिए यीशु मसीह का दया और वो कृपालु है, वो दयालु है, वो कैसे सोचता है, वो बोल रहा है 37 ना पढ़ने से उन लोग आगे नहीं जाएगा, उन लोग कहीं गांव में नहीं भेजूंगा, मैं विदा ऐसा नहीं करूंगा, वो जाके बस्ती में जाके उन लोग खाना खरीद ले। हाँ अच्छा बात बताया, उन लोग सुबह से शाम तक तरस कर वो अच्छा वचन उन लोग सुन लिया, उनका बात मेरा फर्ज है, ऐसे यीशु मसीह भगवान हूँ मैं, उनका जो अंदर दिल का बात जानता हूँ, इन दिल का अंदर क्या है, घर का अंदर क्या है, वो व्यक्ति का अंदर क्या है, वो खरीदेगा ना खरीदेगा, पूरे और वो धनवान है, वो कुछ है मेरे को मालूम है। सब लोगों के लिए मैं बंदोबस्त करना चाहता हूँ, ये मैं भगवान हूँ मेरे को मालूम है करके, उन लोग नहीं, आप लोग ही उनको खाना देना चाहिए। इफ यू रीड 37 एक बार देखिए, ईसा ने उनसे उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो, तुम लोग ही खाना देना है। शिष्यों को बोल रहा है, मैं नहीं दूंगा, अगर मैं बोल रहा हूँ शिष्य मतलब फॉलोअर लर्नर एंड वो अच्छे enthusiastic witness are coming days, you are going to be pillar of my ministry and you are going to spread the gospel, you are my disciple, you are going to take the heavy laden and burden, मैं तुम लोग लेना चाहिए, जो बोझ है कंधों पे उठाने वाला आप लोग है, कंधों पे उठाने के चलने वाला आपको मैं बोल रहा हूं, ऐसे आप ही खाना देने के बंदोबस्त आप ही करो, आप ही दें। जब क्या था उनका मतलब, अब शिष्य क्या बोले, मैं सब छोड़ के आ गया, पेट्रोस बोलेगा है ना, और सब लोग बोलेगा अरे यार मैं सब लोग अपना अपना काम, हाँ वो काम यहाँ भी छोड़ के आ गया, कहाँ से हम लोग लेके आएंगे, हम भी अपना सोचते हैं ना, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, क्या करना है, मेरे पास इतना पैसा है, भगवान को डालने से मेरे पास कैसे रहेगा, आपको मालूम है मेरे जिंदगी में क्या होता है, कभी कभी 7,000 डालना पड़ता है, कभी कभी 10,000 भी डाल दिया, पॉकेट में एक पैसा भी नहीं रहने से भी देखो ऐसे में जाता रहता हूँ, फिर उतना ही वापस आएगा, आपको मालूम है, मैं ये महसूस होकर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हम भगवान को जो कुछ दे दिया वापस में उसे कितना फोल्ड वो आशीर्वाद देगा, 34 and 64 and 100 fold, वो कभी भी बाकी रहना वाला नहीं है, वो देने से बाकी रहने वाला नहीं है, आपको देता ही रहेगा। एक पद्य आपको मालूम है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने बोला, प्रेम सदा देता रहता है। अगर सुभद्रा कुमारी का जो अनुभव है, उनका एहसास है, जब
प्रेम सदा देता रहता है। कैसे? हाथ बढ़ाकर देता रहता है। हाथ बड़ा होता है उसका, कभी भी हाथ बढ़ा कर देता ही, वो लेता नहीं है। आपने पढ़ा होगा उनका, बहुत अच्छा कवित्री थी वो। हाथ से बढ़ाता है, बड़ा बना के देता है, तो वापस में लेने का इरादा नहीं है। वापस में लेके इतना में दिया इतना दो, इतना दे दिया भगवान को, गिनती करके अपना मन में रख के चलने वाला नहीं है। प्रेम सदा देता रहता है, देने वाला है। अगर वही सुभद्र कुमारी चौहान देने वाले होने से एक मानव एक अवरत और मानव देने से भगवान कैसे देगा, जो यीशु मसीह कैसे देगा? अगर भगवान देने से बड़ा हाथ ही उनका दे देगा। इसलिए बोलता है कभी भी वो देता है, लेता ना ये वापस। प्रेम का यही है प्रेम। हम लोग वो भगवान को प्यार करता है तो ऐसे शिष्यों को क्या बता रहे, मैं शिष्यों के लिए आई वॉन्ट टू बिकेम ए डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यू नो द वैल्यू ऑफ ए डिसाइपलशिप, यू नो द वैल्यू ऑफ ए डिसाइपलशिप। वो थीसिस हमारा स्टूडेंट किया, मैं थीसिस का मैं थियोलॉजी कॉलेज में, वो थियोलॉजी कॉलेज में मैं काम किया, मैं बताता नहीं मैं किया वो किया करके। अगर मेरा जो थीसिस था उन लोग के लिए मैं बनाया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डिसाइपलशिप। विदाउट एनी वैल्यू यू वोंट बिकम ए डिसाइपलशिप। आप शिष्य बनने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। क्या क्या खोना आप चाहिए यहाँ बता रहे? आप बंदोबस्त करना, छोटी सी मामूली सी बात है, वो क्या? खाना खरीद के आप ही देना है उनको, वो बोझ आपके ऊपर रख रहा हूं। हम बोलते हैं ना भगवान मुझे देने वाला बनाओ, यू नो द कॉल गेट, देने वाला ही लेने वाला नहीं है। द कॉल गेट इज वेरी स्मॉल, ओके इट इज ए टीनेज आई थिंक, दैट बॉय आई थिंक He's traveling to abroad somewhere to somewhere. I don't know. मैं उसको भूल गया, कुछ अमेरिका जा रहे थे, वो नाव में था जब जहाज में। एक आदमी ने बोला क्या करने जा रहा हो? मेरा मकसद है कि मेरा माँ बाप और मेरा परिवार का बोझ मेरा ऊपर है, मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे में टूथपेस्ट बनाता हूँ, नहीं पेस्ट पाउडर बनाता हूँ, ऐसे कुछ ईंट लेके कुछ ऐसे उसको ऐसे पाउडर बना के उस बेचता हूँ, उससे कीमत कम आता है मेरे को। इसलिए मेरा दिक्कत क्या है, मेरा परिवार को ज़्यादा कमाई दे नहीं पा रहा हूँ, माँ बाप को ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं मेरा माँ बाप का परिवार का बोझ मेरा ऊपर है, कोई ने सलाह दिया तो आप आगे बढ़ो, आगे जाओ, अब्रॉड जाओ, अमेरिका जाओ, वहाँ थोड़ा अच्छा आपको पैसा मिल सकता है, तो वहाँ जाने के लिए मैं प्रयाण। वो बोला वो तो मेरे जैसे नहीं, वो अच्छा एंचमैन ऑफ गॉड, द गुड सर्वेंट ऑफ गॉड। वो बोला आप प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह को मानते हो? यीशु मसीह को मानता हूँ, लेकिन प्रार्थना क्या होता है? अरे यार पहले प्रेयर करो, ये चीज आगे बढ़ने की प्रेयर करो, और आप आगे जाके थोड़ा पाउडर बनाओ पहले भेजो, उसके बाद उसको एक अच्छा तरीका से सोच के यीशु मसीह ने आपका अच्छा सोच देगा, तो पाउडर नहीं पेस्ट बनाओ, पेस्ट का बाद ये बनाओ इस अलादे के, और प्रार्थना मत बोलो। आप कितना कमाते हो उसमें से टाइट इन द सेंस 10% ऑफ यूर आपका जो कमाई है उसमें से दे दो, और आगे बढ़ने कितना बढ़ रहा है उतना ज़्यादा दे दो। वो क्या किया मालूम? 80% 10 से स्टार्ट हुआ देने के लिए, 80% देने के लिए तैयार था। कॉलगेट अभी नहीं है, मर गया, लेकिन उनका जो कॉलगेट पेस्ट है बेहतर है, वो श्रेष्ठ है, वो अमूल्य है, वो अनमोल है वो, और कहीं भी कोई पेस्ट वो ब्रांड आके उनको मार्केट में उनको बीट नहीं कर पा रहे। मतलब यीशु मसीहा ने उसको इतना फैला दिया, उनको अच्छा बनने के लिए मौका दिया। मैं बोलना चाहता हूँ शिष्यों को सिखा रहे, शिष्य मतलब वो फॉलो करने वाला, पहले सीखने की बात है वी हैव टू डेडिकेट आवर बॉडी टू गॉड, द फर्स्ट नंबर 1 इन रोमन चैप्टर 12, दोबारा एपिसिन चैप्टर 5 एंड 13-16 आप पढ़ने से यू हैव टू डेडिकेट योर टाइम टू गॉड। आप आ गया एक घंटा बैठा टाइम, दोबारा हम लोग किसी के लिए देने के लिए बंदोबस्त करना है, सही वालों को देने के लिए बंदोबस्त करना है। कोई गरीब है, कोई अकलमंद है, कोई और उनको गम में है, उनके लिए आगे यीशु मसीह ने हम लोग को बताया कि उन लोग सुबह से शाम तक है,
तो उनका भूख लगेगा, भूख मिटाने के लिए हम लगे, यार हमारे पास कुछ नहीं है, तुम चले जाओ, कोई आने से ऐसे नहीं। इसलिए हम जब देने के लिए आगे बढ़ेगा, जब यीशु मसीह के लिए हम लोग को आगे बढ़ाएगा, वो सोच हम लोग को आना चाहिए। यीशु मसीह का सोच हम लोग रहना चाहिए, शिष्य का सोच नहीं। क्या बोल रहा है? ये निर्जन स्थान है, बोलने के लिए बहुत काबिल है, देने के लिए निर्जन स्थान। निर्जन मतलब कुछ नहीं है, शून्य है, मेरे पास कुछ नहीं है, और निर्जन स्थान है, शून्य है, मैं कुछ का नहीं कर पाता, मेरा तो ऐसा होता, ऐसे मत कारण मत बताओ। तेरा कारण उनका कारण नहीं बनना चाहिए, उनका कारण आगे है, ऐसे कारण बहुत आता है, और आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने वाला ही वो सक्सेसर होगा, वो पायनियर ऑफ फेथ होगा, जो पायनियर ऑफ फेथ यीशु मसीहा है, उसको आगे बढ़ो। मैं पहले हम लोग टीचिंग करते हैं, और मिशनरी क्या किया, उन लोग जो बाइबल का बताया, यीशु मसीह को परिचय किया, उसके बाद देने के लिए आ गया। इसलिए मिशनरी कॉम्पाउंड में कहीं भी देखो, इतना जगह क्यों है, स्थान उसका ऊपर, उन लोग कुछ ही, दे सो सम सीड्स एंड दे रीप द क्रॉप एंड हॉस्टल्स है, और क्या मिशन मिशन वर्क है, कुछ कुछ भी उन लोग देते थे, और गरीबों को आगे बढ़ने के लिए एक स्थान देते थे। मिशनरी वर्क ऐसे इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो सब लोग ऐसे धनवान बन गया, यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर दिया, गरीबों के पास यीशु मसीह के लिए गया, यीशु मसीह गरीबों के पास गया। मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, समय अपना पास नहीं है, 9 बजे अंदर हम लोग करना चाहिए। मैं धन्यवाद करके समाप्त करता हूँ। आप सब लोग 7:30 बजे गाना गाने वाला बाइबल पढ़ने आइए, 8 बजे अगर आप रहने से 8 बजे आइए, कोई बात नहीं, हम लोग 8 बजे नहीं उठ सकता, 8:30 तक आप आ सकते हैं। हिंदी आराधना आगे बढ़ने के आप बढ़ाइए, ऐसे बढ़ाइए, क्योंकि ये नेल्लूर में ये आराधना आगे बढ़ना चाहिए। हिंदी भाषा में आप जाके कहीं किनारे में गाँव में जाके यीशु मसीह का परिचय कर सकता है। मैं यहाँ से समर्पित करूँ, यीशु मसीह आपके चरणों पर हम लोग आए हैं भगवान। अभी हम लोग ये वाक्य संदेश समर्पित करता है, सबका अंदर दिल का अंदर जाए, और ये उन लोग आगे बढ़े, उन लोग अच्छे अच्छे बात मतलब सुसमाचार बढ़ा के, और जो कमी है उन लोग के लिए आत बढ़ा कर देने के लिए विदा करो, देते जाना। हिंदी आराधना आगे बढ़े, और देने वाला आगे आए, और सुनने वाले आगे आए, और सुसमाचार बढ़ाने वाला आगे आए। इस मसीह के नाम से प्रार्थना समर्पित करता हूँ, आमेन आमेन।